मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर कंप्लीट कर लिए थे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस वाले चैप्टर में बेटा। उसे मैंने आपको फोर टाइप ऑफ रिस्पॉन्ड बताया था अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारी बॉडी है या कोई अदर्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, वो एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट क्या करती है, कुछ रिस्पॉन्ड शो करती है, कुछ रिस्पॉन्स शो करती है। उन्हीं रिस्पॉन्स को हम लोग प्रीवियस वाली क्लास में क्या किए थे बेटा, कंप्लीट कर लिए थे। उसमें मैंने आपको फोर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स बताया था बेटा, जिसमें मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि कुछ रेगुलेटर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म जो होमियोस्टैटिस मेंटेन करके जो एबायोटिक फैक्टर्स टेम्परेचर्स वगैरह को बॉडी में क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कुछ कन्फर्नर्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, हमारे ही सराउंडिंग में या अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती है वहां पर जाकर के, जैसे सैरिल एरियाज में जाकर के, छायादार चीज़ों में जाकर के अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था माइग्रेंट यानी जो बर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एरियाज में चले जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरे क्षेत्र में, यानी कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट से या अदर कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। वैसे ही मैंने आपको बताया था बेटा सस्पेंडेड, जिसमें मैंने एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दो तरह के ऑर्गेनिज्म बताए थे। तो प्रीवियस क्लास में ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, डिस्कस कर लिए थे अच्छे तरीके से। आज वाली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, डिफरेंस बिटवीन रेगुलेटर्स एंड कन्फर्नर्स, यानी यहां पर आपको 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलेटर्स और कन्फर्नर्स। तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे आप हमारे स्टूडेंट हो, अगर हमारे वीडियोज को बहुत अच्छे से देखे हो तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन तब भी मैंने आज वाली क्लास में उसी टॉपिक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था कि अगर यहां से क्वेश्चंस आते हैं 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे बट आपके 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में रेगुलेटर्स और कन्फर्नर्स के बीच में डिफरेंस को लेकर के, तो वो क्वेश्चन आपको क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। इसके बाद हम लोग पार्शियल रेगुलेटर्स को डिस्कस करेंगे। आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे बेटा तो उसमें छोटा सा एक ग्राफ दिया गया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में, जिसमें आपको पार्शियल रेगुलेटर्स, कन्फर्नर्स और रेगुलेटर्स के बीच में क्या है, रिलेशनशिप शो किए गए हैं। तो उस ग्राफ को भी आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको पार्शियल रेगुलेटर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जामिनेशन में या 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में या इस ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो इजीली आपको वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, एडेप्टेशंस को क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं एडेप्टेशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैंने ये जो डिफरेंस देखा बेटा, मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हो, इनमें से बहुत आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट वहां पर लिख नहीं सकते हैं जबकि उनको वो सारी चीजें पता है, तो इसलिए मैंने यहां पर उस क्लास को क्या किया है, मेंशन किया है। तो अब मैं बता दूं बेटा कि लास्ट क्लास में मैंने रेगुलेटर यानी जो रेगुलेट करने वाले ऑर्गेनिज्म है और जो कन्फर्नर्स यानी जो कन्फर्न वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन दोनों को डेफिनेशन से मैंने क्या किया था, क्लियर किया था, आपको बताया था, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। इसे मैंने आपको बताया था बेटा कि जो रेगुलेटर्स होते हैं, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ड्रास्टिक चेंजेस क्यों ना आ जाए, उनकी बॉडी टेम्परेचर जो रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हम कहां पर हैं, रेगुलेटर्स वाले में आते हैं, ह्यूमन बीइंग जो है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस वाले एरिया में चले जाएं, यानी हम जम्मू कश्मीर भी चले जाएं, तो भी हमारी 37 डिग्री ही रहेगी, या तो हमारे समर के टाइम पर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी हम चले जाएं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो क्या रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेंगे। यानी हमारी बॉडी जो है, या तो चाहे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की बात की जाए, ऑस्मोटिक फ्लूइड की भी बात की जाए, तो हमारी ऑस्मोटिक बैलेंस भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी डिस्पाइट ड्रास्टिक चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस हो जाए, हमारी बॉडी की जो चीजें है वो क्या रहेगी भाई, वैसे ही के वैसे ही क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम कहां पर आते हैं, रेगुलेटर, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होमियोस्टैटिस। तो हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो, फैक्टर्स कुछ भी हो, बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगे, इस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेट, और इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स, है ना। वैसे ही कन्फर्नर से मैंने बताया था कि हमारे ही सराउंडिंग में कुछ एनिमल्स वगैरह आते हैं जो टेम्परेचर तो उनको बढ़ते रहेगा, जैसे डॉग वगैरह, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो उनकी टेम्परेचर बढ़ेगी, लेकिन वो क्या करेंगे, हमारे ही सराउंडिंग में जैसे किसी पौधे के पेड़ के पास जाएंगे, वहां पे छांव में बैठेंगे, वो नहाएंगे, पानी के पास जाएंगे, हम बफेलो या काऊ अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे तो उसको नहलाया जाता है ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, आया समझ में। यानी वो माइग्रेट नहीं कर रहे, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहे, उसी जगह पर है, उसी क्षेत्र में है जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर रेगुलेटर सर्वाइव कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने लिए, अपने बचने के लिए कुछ ना कुछ चीजें अपनी बॉडी के मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर ऑस्मोटिक बैलेंस को वो क्या कर रहा है, वहीं पर कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस ले रहे हैं।
उस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्फर्नर्स। और इसके बाद जो दूसरे एरिया में चले जाते हैं माइग्रेंट, और जो नहीं दिखते हैं या तो समर टाइम पे दिखते हैं या वो विंटर टाइम पे दिखते हैं, तो वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, दोनों मैंने आपको क्या किया था बताया था, उन दोनों के बारे में क्लासिफाइड किया था। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं बेटा किसके किसके बीच में, रेगुलेटर्स और कन्फर्नर्स के बीच में, तो डिफरेंट में अगर देखा जाए बेटा, तो रेगुलेटर्स का फर्स्ट पॉइंट है दे पजेस अ कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट और होमियोस्टेसिस। ऑब्वियसली जो रेगुलेटर्स होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट यानी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर का है ना, तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन रखेंगे, इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखेंगे, यानी होमियोस्टेसिस मेंटेन करेंगे। जब ये लिटिल होमियोस्टेसिस को फॉलो करेंगे, मतलब होमियोस्टेसिस इनमें भी है, ये भी रेगुलेट करते हैं लेकिन लिटिल एज कंपेयर टू रेगुलेटर्स, है ना। सेकंड है बेटा दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ऑब्वियसली ये मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को, जब ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इनको वो जगह चाहिए, वो ऐसी चीजें चाहिए, तो ही क्या होगा, मेंटेन होगा। रेगुलेटर्स में थर्ड पॉइंट है बेटा द बॉडी फ्लूइड्स हैव फिक्स्ड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली ऑस्मोटिक बैलेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हमारा सेम रहेगा, जबकि यहां पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वैरीज अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल मीडियम के बेस पर रहेगा, एक्सटर्नल मीडियम में अगर फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑस्मोटिक, तो वहां पर इंटरनल बॉडी के अंदर भी ऑस्मोटिक फ्लूइड्स का कंसंट्रेशन क्या हो सकता है बेटा, फ्लक्चुएट कर सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, अप्स या फिर डाउन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा रेगुलेटर्स में दे कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो रेगुलेटर्स होते हैं वो ज्यादा एटीपी बनाते भी हैं और ज्यादा एटीपी को कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कन्फर्नर्स की, तो दे अगर हम बात करें बेटा दे कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि इनकी जो कंजम्पशन है एनर्जी की एटीपी की वो कम होती है एज कंपेयर टू रेगुलेटर्स, यानी कन्फर्नर्स की एटीपी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती, कंज्यूम कम करते हैं। दे हैव बेटा रेगुलेटर में दे हैव वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बहुत ज्यादा है, दायरा है इनकी बहुत ज्यादा है, जबकि ये जो है वो लेस रेंज यानी नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा रेगुलेटर्स में रेगुलेटर्स आर मोर एक्टिव, जबकि ये क्या हो जाएंगे, कन्फर्नर्स आर लेस एक्टिव। तो यहां पर मैंने टोटल 6 पॉइंट बताए डिफरेंट के वे पर, डिफरेंट के वे में, चाहे आपसे अगर क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर आ भी जाए तो इजीली वो आपसे क्या हो जाए भाई, सॉल्व हो जाए, है ना। इसलिए मैंने यहां पर आपको डिफरेंट को बहुत अच्छे से मेंशन किया, और प्रीवियस क्लास के अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो ये डिफरेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन तभी मैंने यहां पे क्लियर कर दिया कि अगर डिफरेंट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन में, तो आप क्या कर सको, इसको अच्छे से इजीली इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा पार्शियल रेगुलेटर्स। एक्सक्यूज मी, पार्शियल अगर रेगुलेटर्स की बात करें बेटा, पार्शियल रेगुलेटर्स का मतलब नाम से ही क्लियर कर रहा है कि इनके पास जो प्रॉपर्टी होगी, जो बिहेवियर होगी, वो किसके जैसी होगी भाई, रेगुलेटर्स के जैसी होगी। जो बिहेवियर होगी वो किसके जैसा होगा, रेगुलेटर्स के जैसा होगा। रेगुलेटर्स का मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक फ्लूइड कंसंट्रेशन डिस्पाइट ड्रास्टिक चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेम्परेचर में या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंजेस आ जाए, बॉडी यानी इंटरनल टेम्परेचर जो बॉडी की है या इंटरनल जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बॉडी की है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स। अब पार्शियल रेगुलेटर का मतलब क्या हो गया, पार्शियल यानी कुछ कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी रेगुलेटर्स वाली, कुछ प्रॉपर्टी इनकी कहीं और से आएगी, दैट इज पार्शियल रेगुलेटर्स। इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक ग्राफ दिया, उस ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं, और वो ग्राफ से ही आपको वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो चलिए मैंने एक ग्राफ बनाया बेटा जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और ये ग्राफ दिया गया है किसके किसके बीच में भाई, तो इंटरनल एटमोस्फियर एंड एक्सटर्नल एटमोस्फियर के बीच में, यानी कि इंटरनल का मतलब हमारी बॉडी का एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, और ये हमारे बॉडी के बाहर का, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग का जो एटमोस्फेरिक कंसंट्रेशन है या तो फैक्टर्स है, इन दोनों के बीच में ग्राफ दिया है। तो इन दोनों में एक एक पॉइंट तो क्लियर है भाई, कॉमन है कि जो रेगुलेटर्स होंगे वो क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। जैसे मान के चलो ये टेम्परेचर है जीरो, ये टेम्परेचर है जीरो, दिस वन इज 10 यानी 10 20 30 40 50 60 70, मान लिया मैंने टेम्परेचर आपको बताया, ऐसे ही ऊपर भी आएगा भाई, तो दिस वन इज 10 दिस वन इज
20, 20, this one is 30, this one is 40, this one is 50, this one is 60. मतलब हम टेम्परेचर की बात करें, मतलब ऐसा रिलेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसी भी फैक्टर्स को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। हमने टेम्परेचर को किया, तो जो रेगुलेटर्स होते हैं बेटा, दिस वन इज रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है भाई? तो रेगुलेटर्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि रेगुलेटर्स वो होते हैं कि चाहे टेम्परेचर बढ़ जाए चाहे टेम्परेचर कम हो जाए, उनका टेम्परेचर इंटरनल जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। चाहे 0 डिग्री पे जाओ तो भी 37, 10 पे जाओ तो भी, 20 पे जाओ तो भी 37 ही मिलेगा, 50 डिग्री पे जाओ तो भी आपको 37 ही, 70 पे भी जाओगे तो भी आपको 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में चाहे कुछ भी वेरिएशन हो, कुछ भी चेंजेस हो, लेकिन इंटरनल जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। वो क्या है? रेगुलेटर है। ये मीनिंग क्लियर हो गया? हमें बस उस मीनिंग को क्या करना है, ग्राफ के फॉर्म में हमें समझना है। ऐसे आपको बहुत ही हार्ड लगा कि पता नहीं ये ग्राफ ने क्या दे रखा है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये जो ग्राफ है इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कैसे भाई? तो रेगुलेटर्स ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहेगा, कॉन्स्टेंट इंटरनल एटमोस्फेरिक कंडीशन रहेगा। कन्फर्मर्स क्या है भाई? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सटर्नल, वैसे वैसे ही इंटरनल भी बढ़ते जाएंगे। यानी एक्सटर्नल 10 है तो इंटरनल भी 10, एक्सटर्नल 20 है तो इंटरनल भी 20, एक्सटर्नल 30 इंटरनल भी 30। आया समझ? मतलब जैसे जैसे ये 60 तो ये भी 60। आया समझ में? यानी जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर एक्सटर्नल फैक्टर बढ़ते जाएंगे, चाहे वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक फ्लूड का कंसंट्रेशन का फैक्टर्स हो, तो वैसे वैसे ही इंटरनल बॉडी में भी क्या हो जाएंगे? चेंजेस हो जाएंगे। दैट इज कन्फर्मर्स, है ना। भले ही वो बाद में जाकर के उसको मेंटेन करेंगे, कहीं जाकर के वो छायादार वृक्ष के पास बैठ जाएंगे या तो कुछ ऐसी भी चीजें देखेंगे जहां से वो क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो नेचुरल फिनोमेना है, हम अगर मान के चलो हम धूप में काम भी करेंगे, फार्मर्स काम भी करते हैं 45 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है, मेंटेन रहता है। भले वो पसीना चलते रहेगा कंटिन्यूअसली, लेकिन बॉडी उसको मेंटेन रखेगा। आया समझ में? लेकिन कन्फर्मर्स के साथ ऐसा नहीं है। उनको जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उनकी बॉडी में भी टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। दैट इज कन्फर्मर। ये क्या है भाई? कन्फर्मर्स है। तो रेगुलेटर्स में क्या है भाई? तो कॉन्स्टेंट क्या है भाई? तो कॉन्स्टेंट इंटरनल इंटरनल फैक्टर। और यहां पर क्या है कन्फर्मर्स में? तो इंटरनल फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल। यही होगा क्या बेटा रिलेशन? कन्फर्मर्स में क्या होगा? इंटरनल फैक्टर जो है भाई वो एक्सटर्नल के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर आप ज्यादा बढ़ाओगे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो इंटरनल फैक्टर भी बढ़ेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल फैक्टर्स भी, यानी टेम्परेचर कम होगी बॉडी के। जबकि रेगुलेटर्स में क्या होगा? तो कॉन्स्टेंट होगा। अब थर्ड है पार्शियल रेगुलेटर्स, जो आपको नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि व्हाट इज पार्शियल रेगुलेटर्स, या तो आपके ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो नीट में डायरेक्टली ये ग्राफ आपको दे देगा जो मैं बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चंस कैसे नीट में बनेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर देखो, एक है कि भाई वो स्टार्टिंग में कन्फर्मर जैसा बिहेवियर कर रहा है, यानी वो ऑर्गेनिज्म है कि स्टार्टिंग में तो कन्फर्मर जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन धीरे 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 क्या कर लिया भाई, वहां से डिस्ट्रैक्ट हुआ और एक समय पर कॉन्स्टेंट हो गया। कॉन्स्टेंट मतलब रेगुलेटर, यानी कि अब भाई स्टार्टिंग तो उसने कन्फर्मर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या होगा भाई, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फिर एक समय आया कि भाई वहां से ये डिस्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि कन्फर्मर्स में तेजी से बढ़ेगा, पैरेलली बढ़ते जाएगा, लेकिन एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा इंटरनल को, और एक समय आएगा कि एक्सटर्नल कुछ भी हो जाए इंटरनल फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। किसके जैसा? रेगुलेटर्स के जैसा। यानी इसके पास रेगुलेटर्स की प्रॉपर्टी आ गई, एक समय के बाद वो कांस्टेंट बिहेवियर शो कर दिया, चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए भाई, हमारा टेम्परेचर अब जो बॉडी का है वो उतना का उतना ही रहेगा। उस ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। इस ऑर्गेनिजम्स को इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया बेटा? पार्शियल रेगुलेटर्स। तो पार्शियल रेगुलेटर्स का मतलब क्या होता है भाई, कि एक समय तक मतलब या तो फ्रॉम बिगिनिंग ये एज अ कन्फर्मर्स प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी जैसे जैसे एक्सटर्नल
फैक्टर्स यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सटर्नल कंसंट्रेशन फ्लूड का बढ़ेगा, तो वैसे वैसे इनकी बॉडी में भी वो इंक्रीज होगी। लेकिन एक टाइम पे जा करके ये कन्फर्नर से थोड़ा सा बिलो यानी कि उससे थोड़ा सा नीचे प्रॉपर्टी शो करेंगे और एक टाइम पे आने पर एज अ रेगुलेटर्स बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगे। यानी एज अ रेगुलेटर्स अपनी प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर दिए, इनकी इंटरनल बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जबकि एक्सटर्नल में चेंजेस कंटिन्यूअसली हो रही है। उस ऑर्गेनिजम्स को उस एबायोटिक फैक्टर्स के रिस्पॉन्ड और एबायोटिक यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो रिस्पॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब पार्शियल रेगुलेटर्स। तो व्हाट इज पार्शियल रेगुलेटर्स, ये आपको पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा आज वाली क्लास में। नीट में समटाइम्स क्वेश्चन आते हैं बेटा कि ए क्या है, बी क्या है और ये सी क्या है। तो ए क्या है भाई, कन्फर्नर्स आपको याद रखना है, बी क्या है, रेगुलेटर कांस्टेंट है, और ये सी क्या है, पार्शियल रेगुलेटर। तो यहां से नाम मेंशन यानी नेम को मेंशन करने के लिए भी क्वेश्चंस नीट में इस ग्राफ से बनते हैं बेटा, या तो आपको डायरेक्ट पार्शियल रेगुलेटर्स के बारे में डेफिनेशंस पूछेंगे, आपके ट्वेल्थ के एग्जामिनेशंस में भी ये ग्राफ पार्शियल रेगुलेटर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आई होप ये क्लास से आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में पार्शियल रेगुलेटर्स होते क्या है। तो पार्शियल रेगुलेटर्स क्या है, डिफरेंट बिटवीन रेगुलेटर्स और कन्फर्नर्स क्या है ये भी क्लियर हो गया, माइग्रेंट क्या होते हैं, सस्पेंड क्या होते हैं, रेगुलेटर्स क्या होते हैं या तो कन्फर्नर्स क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट अब हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। मैं एडेप्टेशंस नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा बेटा, मैंने आज वाली क्लास में आपको इससे रिलेटेड जो भी जो आपका ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जामिनेशन था, चाहे वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक ग्राफ था, वो मैंने आज आपको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बेटा एडाप्टेशंस के साथ। थैंक यू वंस अगेन।